बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर अभिनेताओं में से एक नाम शुमार है अभिनेता आमिर खान का, जो कि लंबे समय से बॉलीवुड में अपनी हर एक फिल्म के जरिए नया रिकॉर्ड कायम कर जाते हैं। आमिर खान हमेशा अपनी हर फिल्म को परफेक्ट बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि आज उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल हासिल हो चुका है, जो आज अपने इसी टैलेंट के बलबूते पर एक काफी आलीशान जिंदगी जीते हैं और काफी आलीशान घर में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आज आलीशान घर और जिंदगी जीने वाले आमिर खान के बचपन का कुछ समय इनके गांव के पुश्तैनी घर में भी बीता है, जिसके बारे में आज काफी कम ही लोग जानते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको आमिर खान के पुश्तैनी घर से रूबरू करवाएंगे। तो फिर चलिए ना दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस दमदार अभिनेता के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुंबई में आज अपने परिवार के साथ बेहद ही लग्जीरियस और खुशहाल जिंदगी बिता रहे आमिर खान उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जिनका गांव हरदोई जिले के शहाबाद कस्बे में बसा है, जहां इख्तियारपुर गांव में इनका पुश्तैनी घर भी है, जो कि आज खंडर की तरह नजर आता है। मकान इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है। एक तरफ तो सुपरस्टार आमिर खान जनता की भलाई के मुद्दों को टीवी और सिल्वर स्क्रीन पर गंभीरता से उठाते रहते हैं, लेकिन इनका खुद का पुश्तैनी मकान की हालत तो कुछ और ही बया कर रही हैं। वहीं इनके अपने ही गांव की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी है, जहां की सड़कें टूटी हैं और बिजली तो मानो गायब ही रहती हो। गांव में ना तो एक भी स्कूल है और ना ही कोई अस्पताल। पानी के लिए सिर्फ 3 सरकारी हैंडपंप लगे हैं, उनकी भी हालत बिल्कुल खराब है। वहीं यहां गांव वाले भले ही खेती किसानी और मजदूरी करके किसी न किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हों, जिसके चलते तो ये भी कहते हैं कि इनका गाँव जिले का सबसे पिछड़ा हुआ गाँव है, वो जिसके लिए विकास के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। बता दें कि यहाँ आमिर खान की खानदानी मस्जिद भी बनी हुई है, उस पर जामा मस्जिद अलीबाग लिखा है, लेकिन वो बिल्कुल जर्जर वीरान है। अंदर मिट्टी के ढेर देखकर कोई भी ये बता सकता है कि काफी दिनों से कोई भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। मस्जिद की सटी छत से नीचे आमिर खान के परदादा हाजी मोहम्मद हुसैन खान की पक्की कब्र बनी है, जिस पर रेत और मिट्टी बिखरी हुई है। गाँव के जानकार बताते हैं कि लगभग 25 एकड़ का ये बाग आमिर खान की मिल्कियत का है। इसके अलावा 2 बाग और हैं। असल में आमिर खान के दादा जाफर हुसैन खान के 3 बेटे बाकर हुसैन खान, नासिर हुसैन खान और ताहिर हुसैन खान इसी जगह पर एक साथ रहा करते थे। 50 के दशक में नासिर हुसैन मुंबई चले आए और कामयाब निर्माता निर्देशक बन गए। कामयाबी पाने के बाद उन्होंने अपने दूसरे भाई ताहिर हुसैन को भी अपने पास बुला लिया, जिसके बाद ताहिर खान ने वही शादी की और वही इनके 2 बेटे आमिर खान और फैसल पैदा हुए, जिसके चलते इनके दोनों की पूरी परवरिश मुंबई में ही रहकर हुई है। लेकिन भले ही इनकी पूरी परवरिश मुंबई में हो गई हो, लेकिन कभी कभी ये अपने पिता के साथ इस गांव में आया जाया करते थे, लेकिन और साथ ही अपने इस घर में भी रहते थे। इस तरह से थोड़ा बहुत इनका बचपन इसके गांव वाले के घर में भी बीता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए, दिन बीतते गए, वैसे वैसे ही ये अपने लाइफ स्टाइल में इतने ज्यादा बिजी रहने लगे कि इनके गाँव वाले और घर उसी जगह पर इनका नाता टूट सा गया। आज तो वैसे बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आमिर खान ने अपने इस पुश्तैनी घर की तरफ कदम तक नहीं बढ़ाया है। आमिर खान के रिश्तेदार नईम खान बताते हैं कि यहाँ खेत और बाग मिलकर करीब 150 बीघे जमीन है, जिसे साल 2009 में आमिर खान और उनके परिवार ने आमिर की बहन निकत खान ट्रस्ट के नाम पर कर दी थी। इसी के साथ ही ये भी कहा जाता है कि आमिर और उनके भाई फैजल खान के नाम करीब 7-7 बीघे जमीन भी रजिस्टर्ड कराई गई थी। आमिर खान का ये गाँव आज इनके नाम पर काफी ज्यादा मशहूर है, जहां इनकी काफी ज्यादा जमीन जायदाद भी है। लेकिन बावजूद इसके आज आमिर खान इस जगह पर कभी भी आना नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, आमिर खान के इस गांव और उनके एक घर के बारे में आप जानकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।